नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा में पिछले कई दिनों से हो रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत पुलिस के हत्थे ठगों का एक गिरोह लगा है, जिसका खुलासा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थाना प्रभारी ने बताया कि सघन चेकिंग अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर एक गिरोह को पकड़ा गया है। गिरोह के सभी व्यक्ति जबलपुर के निवासी हैं, जिनमें गिरोह का सरगना मुबीन शाह तथा उसके साथी दानिश शाह, मुबीन खान, रफीक शाह, जुगल किशोर, संजय चक्रवर्ती को पुलिस ने धारा 420 के सहित अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पूरी की पूरी टीम को पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरोह के पास से स्वर्ण धातुनुमा गिन्नी एवं 15 स्वर्ण धातुनुमा बिस्किट पाए गए हैं। पूछताछ में पता चला है इस सामग्री से लोगों को भरोसे में लेकर ठगी का कार्य करते थे। उक्त व्यक्तियों ने 19 जुलाई को तांत्रिक पूजा के नाम पर एक बिस्किट 10,000 रुपए में बेचा था और 21 जुलाई को भी एक गिरोह ठग के इरादे से ही ग्राहक की तलाश में घूम रहे थे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा गंज बसौदा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अभी पूछताछ जारी है, क्लियर नहीं बताया, लेकिन ये बता रहे हैं कि अब इनको बनवा के कोई दूसरा व्यक्ति देता था, तो वो अभी बताएंगे पता नहीं बनाता है क्या। हाँ बिल्कुल बनाया जाएगा, अगर ये इस तरह का काम करता है तो बता देता। अभी तो इन्होंने एक को ही देखा था, अभी पूछताछ जारी है। 4 रुपये में ही बिस्किट बेचा था, तो इसलिए इसके इनके खिलाफ 420 का अपराध कायम किया गया है। और इसका जो मुख्य आरोपी है वो जुगल किशोर, अवस्थीय ग्राम मोनी शाहपुरा जबलपुर का। और इसके जो 4 साथी हैं वो है मुबीन, रफीक, दानी और संजय चक्रवर्ती। ये पूरे जबलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हमने 10,000 में बेचा है। फिर इनकी गाड़ी की इंक्वायरी की गई तो एक लोटा निकला है तांबे का, उसमें 15 सिक्के ये थे और एक सिक्के फरियादी को बेच दिया था अशोक रघुवंशी, फरियादी मतलब उनका रहने वाला।